बता दें कि टिकटॉक है वो बैन किया गया था, अब बारी आ सकती है पबजी के। इसके कुछ 50 मिलियन फॉलोअर्स हैं। चाइनीज ऐप के बाद अब बारी आ सकती है 275 से ज्यादा चाइनीज एप्लीकेशन की जो कि अब भी भारत में बने हुए हैं। लेकिन इससे पहले बता दें कि टिकटॉक है वो बैन किया गया था, अब बारी आ सकती है पबजी के। इसके कुछ 50 मिलियन फॉलोअर्स हैं भारत में और एक एडिक्टिव गेम मानी जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें शॉपिंग वेबसाइट है, जैसे चाइनीज वेबसाइट अलीबाबा है, अली एक्सप्रेस उसकी वेबसाइट मानी जाती है, और उसके अलावा हम बात करें जो दूसरी वेबसाइट्स हैं उनका नाम भी अब आ रहा है। सबसे बड़ी बात बताएं कि क्या अंदेशा लगाया जाता है कि जो सिक्योरिटी ऐप है या फिर प्राइवेसी इश्यूज हैं, यानी जो सर्वर्स हैं वो खास तौर पे भारत में नहीं है, चाइना में है, इसलिए जो डेटा है वो इस्तेमाल होता है। तो हम अगर हिस्ट्री की बात करें, जिस तरह यहाँ पे हिस्ट्री जाती है, आप मान के चले ये जो है सर्वर डायरेक्टली चाइना से होते हुए जाता है, जिसकी वजह से प्राइवेसी इशू बताया जाता है। अगर हम अभी आपको बात करें इन पूरी वेबसाइट्स की, चाहे हम Xiaomi की बात करें या फिर हम बात करें पबजी की, अलीबाबा एक्सप्रेस की, ऐसी 265 से ज़्यादा वेबसाइट्स हैं जो अब स्कैनर में आती हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री इसको पूरी तरह से ध्यान करता है, इसे होम मिनिस्ट्री भेजा जाएगा और एक फाइनल डिसीशन लिया जाएगा। गवर्नमेंट के सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि काफ़ी गंभीरता से ले रहे हैं। जो चाइनीज हैं अगर हम बात करें, काफ़ी नाराज़गी उन्होंने जताई है, खास तौर पे अगर हम इंडो चाइना स्टैंड ऑफ की बात करें, जिसके बाद इस तरह की प्रक्रिया की जो तेज़ी है वो देखने में आई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या ये सिक्योरिटी अपैरेटस है और क्या ये एक फ़र्क पड़ता है यूज़र डेटा को, इस सब से अब अगर आप खरीदारी कर रहे हैं तो सचेत रहिए, क्योंकि ये आगे आने वाले दिनों में भी बैन हो सकते हैं।